संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी को दर्शाती फिल्म को भिलाई वासियों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिला। भिलाई के छविगृह में 6 मई से प्रदर्शित हो रही फिल्म का समापन 12 मई को हुआ। इस अवसर पर फिल्म के निर्माता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भिलाई वासियों का हृदय से आभार जताया। संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यह नाम है उस फिल्म का जिसे लेखक और निर्देशक कबीर दा ने बड़ी मेहनत से बनाया है। यह फिल्म डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म से लेकर संविधान निर्माण तक की पूरी कहानी को बखूबी दर्शाता है। 6 मई को छत्तीसगढ़ प्रदेश के भिलाई शहर में इसका प्रीमियर हुआ और प्रतिदिन 12 तारीख तक सुबह 9 बजे इसका प्रदर्शन भिलाई के वेंकटेश्वरा छविगृह में किया जा रहा था। निर्माता निर्देशक की मेहनत तब सफल हो जाती है जब उनकी बनाई फिल्म को दर्शकों का प्रतिसाद मिले। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर आधारित इस फिल्म को भिलाई के दर्शकों के लिए महामानव मल्टीपर्पज सोसाइटी भिलाई के प्रयासों से छविगृह में लगवाया गया। लगातार प्रतिदिन हजारों की संख्या में समाज के लोगों के अलावा सर्व समाज के लोगों ने इस फिल्म को देखने में अपनी रुचि दिखाई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी को जानने का प्रयास किया। फिल्म देखकर निकलने वाले दर्शकों ने भी इस फिल्म को दिल से सराहा। पर लेके आए हैं, ऐसे लगता है कि अभी हमारे साथ में है बाबा साहब। और मैं चाहूंगी कि आगे भी हमारे जो बहुजन बहुत से महामानव है उनके ऊपर भी कभी का फिल्म बनाए और छत्तीसगढ़ से दूर भिलाई के लोगों को लेके भी साथ में बनाए, ऐसा निवेदन करना चाहती हूँ। समाज से सरोकार रखने वाले गणमान्यों ने भी इस फिल्म को देखने में अपनी रुचि दिखाई और इस फिल्म से आम जनमानस को दिए जाने वाले संदेश को मीडिया से साझा किया। इस फिल्म के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर उदय धाबड़ी उपस्थित हुए और उन्होंने इस फिल्म के लेखक निर्देशक कबीर दा को बधाइयां देते हुए उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी को चरितार्थ किया है। फिल्म प्रदर्शन के समापन के अवसर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फिल्म को सफल बनाने वाले समस्त प्रतिनिधियों एवं दुर्ग भिलाई के समस्त अंबेडकरवादियों का सम्मान भी प्रशस्ति पत्र देकर किया गया। हाँ, फिल्म को मैंने देखा है और बहुत ही मार्मिक है, दिलों को छू जाने वाले डायलॉग हैं और जो रियल है, ये कोई मतलब काल्पनिक नहीं है, ये सब कुछ सत्य है, उसी घटनाओं पर ये पिक्चर बनी है और बड़े दिल को छू जाती है। और मेरा जो डायरेक्टर महोदय कबीर जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि और भी हमारे जो बहुजनों के महामानव हैं, महापुरुष हैं, उन पर भी ये पिक्चर बनाए और लोकल जो दुर्ग भिलाई के कलाकारों को भी उसमें मौका दे तो बहुत अच्छा रहेगा और लोगों तक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। फिल्म के जरिए क्या संदेश जा रहा है समाज को? फिल्म के जरिए संदेश ये जा रहा है कि जो कठिनाइयाँ बाबा साहेब के ज़माने में उनको हुई, आज भी वो कठिनाइयाँ बहुत कम नहीं हुई हैं, अभी भी है, लोग अभी भी कई जगह पे दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने से मना करते हैं या छुआछूत की भावना अभी भी है, तो वो धीरे धीरे चली जानी चाहिए। जातिविहीन अगर समाज बने जो बाबा साहेब चाहते थे, समता मूलक समाज, वो ही बने। इस पिक्चर का मेन उद्देश्य भी यही है कि हमें किसी को, किसी अन्य समाज को गाली नहीं देना है, ना किसी को हमें नीचा दिखाना है। हम चाह रहे हैं सारे लोग समान हो, समान रूप से रहे और एक दूसरे से कोई भी भेद ना हो, यही इस फिल्म का मेन उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को रखते हुए ये पिक्चर बनाई गई और सभी कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया है, बहुत ही अच्छा। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करना चाहूँगा आदरणीय कबीर दा जी को, जिन्होंने इस फिल्म का निर्देशन किया है और स्वयं लेखक भी हैं। बहुत अच्छी स्क्रिप्ट उन्होंने तैयार की और बाबा साहब के जन्म से लेकर के उनके निर्माण तक के जो उन्होंने फिल्मांकन किया है, उनके संघर्षों को उकेरा है, आंदोलन को बताया है और किस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों का त्याग किया, कुल मिलाकर के एक बहुत ही सारगर्भित फिल्म इन्होंने पेश की है जिससे एक जागरूकता, समाज को जागना चाहिए, अब भी जागना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समाज के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया, कितना बड़ा त्याग किया और उनके त्याग को नमन करना है, उनके त्याग को सफल बनाना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है कि मैं भारत को बौद्ध में देखना चाहता हूँ, उस उद्देश्य की पूर्ति को लेकर के लिए समाज को काम करना चाहिए। आरक्षण का लाभ पूरे समाज ने लिया लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म लिया, बौद्ध धम्म, उसको इस भारत में विकसित करने का प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। और इस फिल्म के डायरेक्टर सहित पूरे कलाकारों को मैं भिलाई नगर और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने तन मन धन से इस फिल्म को बनाया और बहुत ही प्यारी, सुंदर और प्रेरक फिल्म इस शहर को दिखाई। बहुत बहुत साधुवाद।
मैं आशीष चौहान, महामानव मल्टीपर्पज सोसाइटी के अध्यक्ष हूँ। ये फिल्म बहुत अच्छी है, देश में पहली बार ऐसी फिल्म बनी है जिसमें बाबा साहेब के पूरे जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। जिसको भी नहीं मालूम है बाबा साहेब का जीवन कितने संघर्षमय रहा है और इस देश को इतना बड़ा संविधान दिया, इससे आज तक हमारे देश में फिल्में नहीं बनी। ये पहली फिल्म है जो लोगों को घर घर तक संदेश पहुंचाने का काम करती है, लोगों को जगाने का काम करती है। हमने इस फिल्म को जो लेके आए भिलाई दुर्ग में लगाने के लिए, कारण यही था सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में भिलाई का जो संदेश है पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में जाएगा, क्योंकि भिलाई को लघु भारत कहा जाता है। लघु भारत यहाँ पे देश के सभी प्रांत के लोग रहते हैं और इस फिल्म के माध्यम से हमारे भिलाई तो यह संदेश पूरे देश में जाएगा कि घर घर में जाके ये लोग फिल्म देखे, टॉकीज में जाके देखे लोग और इस फिल्म को सुपर हिट करे। और मैं ये निवेदन करता हूँ छत्तीसगढ़ शासन से कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करें। इससे ये होगा कि हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो लोग पैसा दे के पिक्चर नहीं दे सकते, कम से कम वो लोग दे सकते हैं। और छत्तीसगढ़ शासन से ये निवेदन भी है मेरा कि इसको टैक्स फ्री करने के साथ साथ इसको स्कूलों कॉलेजों के बच्चों को भी दिखाएं उनको अपने तरफ से। जो छत्तीसगढ़ शासन की जो योजनाएं होती है महापुरुषों के प्रचार प्रसार के लिए, उसमें इस फिल्म को दिखाएं। बहुत ही प्रेरकदायी फिल्म है जो लोगों को अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, किस संघर्षमय के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो बाबा साहेब से बढ़कर कोई महापुरुष नहीं है। जो अगर संघर्षों में जी रहा है, अगर वो बाबा साहेब के जीवन को समझ लिया तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इसलिए इस फिल्म को हमने भिलाई में सबसे पहले शुरुआत की लगा ली। संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फिल्म निर्देशक के फिल्म निर्देशन को लेकर कबीर दा ने फिल्म निर्माण की कहानी न्यूज टीम से साझा करते हुए इसमें आई कठिनाइयों के बारे में बताया और भिलाई वासियों का और महामानव मल्टीपर्पज सोसाइटी भिलाई का हृदय से आभार जताया कि उनकी वजह से भिलाई की जनता का प्यार और आशीर्वाद उन्हें और उनकी फिल्म को मिल पाया। मेरा नाम कबीर दा लोग बोलते, लेकिन मैं कबीर सुखदेव हूँ। इस फिल्म का राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर मैं ही हूँ। और इस फिल्म में फाइनेंस भी काफी हद तक फाइनेंस भी हमने तैयार करके दिया है, मतलब निर्माता डिपार्टमेंट भी हम हैं। बताएंगे इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा किस तरह से मिली, कैसे आपके दिमाग में आई कि बाबा साहब पे एक फिल्म बनानी चाहिए, समय कितना लगा, कितना मुश्किल रहा सफर? मुश्किल तो जब बोलेंगे कि मुश्किल की तो सीमा ही नहीं रही। मतलब हमें तो कभी कभी ऐसा लगता था कि समंदर के अंदर में हमने जहाज तो डाल दी है, बट वो जहाज किनारे तक पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, यही लगता था। फिल्म बनाने का जो सपना है ये मेरा 2010 का था, बाबा साहब अम्बेडकर की फिल्म बनाने का। मैंने 2010 में दूसरी फिल्म बनाया बाबा साहब की विचारधारा पर, फिर 2011 में फिल्म बनाया बाबा साहब की विचारधारा पर, फिर 2012 मैंने सीरियल बनाया बाबा साहब की विचारधारा पर। बट विचारधारा पर जब मैंने बनाया तो तीनों जगह जब मैं डूब गया, जब मेरा संसार मेरा परिवार खत्म हो गया, तो मेरे हिसाब से सब कुछ चला गया। बट मेरे अंदर से एक टैलेंट नहीं गया, वो था एक्टिंग का, डायरेक्शन का, राइटिंग का। तो इसी एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग ने मुझे वापस खड़ा किया। और जो 2012 का एक सपना था कि मैं बाबा साहब के ऊपर एक फिल्म बनाऊंगा, फाइनेंस नहीं था तो मैंने सबसे पहले तो अपनी पत्नी से 300 रुपये का इकट्ठा करके चंदा रिसिप्ट बनाकर मैंने समाज से धम्मदान लेकर फिल्म की शुरुआत किया। और धीरे धीरे वो 4 से 5 लाख 7 लाख धम्मदान आया, मैंने शूटिंग स्टार्ट किया। फिर मुझे समाज के लोगों ने और धम्मदान देना शुरू कर दिया और उसके माध्यम से कोई कैमरे का भाड़ा कोई ये करते करते धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ने लगी। 5-6 दिन का जैसे शूट खत्म हुआ वैसे ही मुझे निर्माता लोग मिलने लगे और मुझे काफ़ी लोगों का साथ भी मिला। दुनिया में मुझे जीना सिखाया, स्वाभिमान से जीना सिखाया और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से। फिल्म ये आई, पहले दिन जब देखा तो मन को शांति मिली, इतनी सारी पब्लिक। दूसरे दिन थोड़ी कमजोर थी, संडे को जब पब्लिक दिखी तो मैंने बोला कि कबीर तू जो सोचता है ना फिल्म हिट होने वाली है ये होगी, ये भिलाई वाले ने दिखा दिया कि फिल्म हिट हो सकती है। ठीक है, तो बाबा साहब की शक्ति है जो मेरे अंदर में, जो मैं जिंदा रखा, जिंदा हूँ। इस फिल्म को मैं, हमने बहुत मेहनत किया, 24-24 घंटा 18-18 घंटा जहाँ खाना बनाने वाले लोग सोते थे ना वहाँ मैं सोया, और मेरे होटल में जो मेरी रूम थी डायरेक्टर की उसमें मेरे टेक्नीशियन लोग सोते थे, मैं खाना बनाने वर्कर के साथ सोता था। क्यों? मेरे बाबा साहब की फिल्म है। तो वो फिल्म मैंने कैसे भी मेहनत करके जरूर बनाया, लेकिन लैब में जब जाना था तो टॉप की 5 लैब है भारत के अंदर में, उसका एक नाम है क्यू लैब, उसमें लिखा है क्यू लैब, आप देख सकते क्यू लैब लिखा है, उस लैब से फिल्म बन गई। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक इस फिल्म को अच्छी बनाने के लिए कोशिश की, जो हमसे से नहीं बन सकता था तो हमने लैब अच्छी की, हमसे शूटिंग बन सकती थी, मेरे अपने शूटिंग अच्छी की। महामानव मल्टीप्लेक्स सोसाइटी का है, अगर ये यहाँ नहीं लाते और इतनी मोहब्बत नहीं दिखाते
तो सय में हमारी फिल्म का क्या होता, OTT जाता, OTT पर हमको 50-60 लाख मिल रहे, आज भी देने को तैयार है भैया। अगर मोबाइल में फिल्म आ गई तो ये लोग इकट्ठे हो पाएंगे थिएटर के अंदर? क्या हम मिशन की बात कर पाएंगे? फिर इसलिए मैंने OTT को रोका। तो मैं महामानव मल्टीप्लेक्स सोसाइटी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। भिलाई के वेंकटेश्वर टॉकीज में प्रदर्शित किए जाने वाले संविधान निर्माते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिल्म को भिलाई दुर्ग की अम्बेडकरवादी जनता और बौद्ध अनुयायियों के साथ सर्व समाज का प्यार और दुलार मिला, जिससे ये फिल्म सफलता के मुकाम पर पहुंच पाई। भिलाई की जनता ने इस फिल्म के निर्माता और लेखक से अपेक्षा की है कि आने वाले समय में वे इस तरह की और भी फिल्में बनाएं जो उनके समाज को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।